व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो ऑलरेडी टाइटल आपने देख लिया होगा कि टाटा एल्ट्रॉस लॉन्च के बाद बलेनो का क्या सही में नुकसान हुआ है, और i20 बलेनो और टाटा एल्ट्रॉस का मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ आज। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कल जो है टाटा एल्ट्रॉस का फाइनल लॉन्च हुआ था, एंड मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया था कि गाड़ी कौन से इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाली है। तो आप में से बहुत से लोग हैं, भाई हैं, जिनने अपनी राय लिख के दी नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो इसमें मैं पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, एक रिव्यू टाइप सा होगा, कंपैरिजन करने वाला हूँ बलेनो के साथ i20 के साथ। मैं i20 के साथ ज़्यादा जोर इसलिए नहीं डालूंगा बिकॉज i20 का है 2020 मॉडल लॉन्च होने वाला है 2020 में, एंड बलेनो के बारे में भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि 2020 में इसका रिफ्रेशिंग वर्जन आ रहा है या नहीं आ रहा। बट बलेनो का भी फॉर श्योर थोड़े दिन में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि i20 जो है बहुत ही बड़ी राइवल है, एंड अगर मारुति वाले अपनी बलेनो को अपग्रेड नहीं करते हैं तो मार्केट में टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि टाटा एल्ट्रॉस ऑलरेडी आ चुकी है फील्ड में। तो गाइज, एक चीज़ और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि मैंने जो है अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसमें मैं हर गाड़ी की एसेसरीज लेकर आ रहा हूँ। तो इनकेस अगर आपको भी चाहिए आपकी गाड़ी की एसेसरी आपके घर पे, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे है www.harshvlogs.com। तो गाइज, बिना आए वैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। कल है गाड़ी, कल ही लॉन्च करी गई थी यानी कि 3 दिसंबर को, एंड बुकिंग जो है 21,000 रुपए से स्टार्ट है किसी शोरूम पे, एंड कोई डीलरशिप जो है 11,000 में भी बुकिंग स्टार्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं आपके रीजन में कि आप में कितनी बुकिंग है, वहां पे लिया जा रहा है जो अमाउंट। एनीवेज गाइस, यहां पे हम जो है आज लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, व्हील बेस, प्राइस सब कंपैरिजन करूंगा मैं आपको, एंड फाइनल डिसीजन आपका खुद का होगा। हालांकि मैं थोड़ी सी सलाह आपको दे दूंगा कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी बुरी है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग लेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ में जो है बलेनो की जीत होती है। बलेनो की जीत इसलिए होती है बिकॉज इसको मिलते हैं 3,995 mm यानी 3,995 mm की है जो इसकी लेंथ है। एल्ट्रोज आती है सेकंड नंबर पे 3,990 mm के साथ, 3,990 mm के साथ, एंड वहीं पे i20 रहती है लास्ट में, जिसमें आपको मिलती है 3,985 mm की। तो सेकंड में हम लोग बात करते हैं गाइस विड्थ की। तो एल्ट्रोस जो है सबसे ज्यादा विड्थ के साथ आती है, जिसमें आपको मिलती है 1,755 mm की जो चौड़ाई है, विड्थ वो मिलती है। सेकंड जो है बलेनो आपको मिलती है 1,745 mm की, एंड थर्ड जो है अगेन i20 आपको सिर्फ मिलता है इसमें 1,734 mm। तो बलेनो आपने देखा होगा रोड पे चलती हुई कितनी चौड़ी गाड़ी लगती है, तो बलेनो से भी चौड़ी जो है एल्ट्रोस आपको मिलने वाली है, तो काफी बढ़िया चीज है ये। उसके बाद गाइस जो हाइट में है, हाइट में भी एल्ट्रोस ही जीतती है। एल्ट्रोस में जो हाइट दी जाती है वो 1,523 mm की दी जाती है। वहां पे सेकंड आती है बलेनो, जिसमें आपको मिलती है 1,510 यानी 1,510 mm की, एंड थर्ड पे जो है आपको i20 मिलती है 1,505 mm यानी कि 1,505 mm की आपको हाइट मिलती है। तो यहाँ पे अगेन एल्ट्रोस जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है आपको हाइट दी जाती है। गाइस, थर्ड में बोलना चाहूंगा जो व्हील बेस है वो i20 में सिर्फ रखा गया है, i20 में जीत होती है i20 की यहाँ पे, जिसमें आपको मिलता है 2,570 mm का, एंड सेकंड जो आती है वो आती है बलेनो 2,520 mm, एंड एल्ट्रोस उसमें बहुत ही कम व्हील बेस रखा गया है, लगभग i20 से 70 mm कम। तो यहाँ पे जो है व्हील बेस में टाटा को थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी। तो जो आपको टाटा एल्ट्रोस उसमें व्हील बेस मिलता है 2,501 mm का, जो कि काफी ज्यादा कम है राइवल्स के मुताबिक। यहीं पे वेट की बात करूंगा गाइस, तो मैं टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी शुरू से अच्छी मानी गई है, बट यहाँ पे हुंडई की जो i20 है उसका वेट सबसे ज्यादा आता है। तो जो भाई लोग मेरे विश्वास करते हैं कि वेट की वजह से बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, उनके लिए मैं बता दूं कि i20 का जो वेट है वो 1200 किलो का रखा गया है। एल्ट्रोस का जो वेट है वो 1150 किलो का रखा गया है, सेकंड नंबर पे एल्ट्रोस ज्यादा थी, एंड थर्ड जो बलेनो का वेट रखा गया है वो लगभग 9985 किलोग्राम रखा गया है। तो बलेनो थर्ड नंबर पे आती है वेट के मुताबिक। तो इस हिसाब से आप बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, किसकी खराब है। एनीवेज गाइस, बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है एल्ट्रोस में मिलती है, बट बलेनो और एल्ट्रोस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज एल्ट्रोस में आपको मिलता है 340 liters का बूट स्पेस, वहीं पे बलेनो की बात करें तो 339 liters यानी कि 1 liter के बूट स्पेस का सिर्फ डिफरेंस है। बट यहाँ पे i20 का जो बूट स्पेस है वो बहुत कम दिया गया, जिसमें आपको सिर्फ 285 liters का बूट स्पेस मिलता है, तो बहुत ही छोटा बूट स्पेस है। उसके बाद गाइस, एवरेज की बात करें तो एवरेज में हमेशा से ही मारुति की गाड़ी आगे रही है। यहाँ पे जो बलेनो का है आपको पेट्रोल में है क्लेम्ड 21 की एवरेज मिलती है, और वहीं पे मैं बात करूंगा डीजल में तो आपको 27 की एवरेज मिलती है। वहीं पे इसके बाद आ जाती है सेकंड पे हमारे पास एल्ट्रोस, जिसमें आपको मिलती है 20 की पेट्रोल में, 25 की आपको मिलती है डीजल में, और वहीं पे i20 की बात करेंगे तो सबसे पीछे है i20, चूंकि इसका वजन भारी है। यहाँ पे आपको पेट्रोल में जो है i20 उसमें 17 मिलती है, डीजल में आपको 22 की मिलती है। तो गाइस, एवरेज के हिसाब से मारुति गाड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, बट एल्ट्रोस का अगर हम लोग देखेंगे एवरेज तो वो भी कम नहीं है। अगर इतना ही एवरेज आता है तो 20 का जो है आपको पेट्रोल में मिल जाएगा, 25 का है जो आपको डीजल में मिल जाएगा। वहीं पे इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो एल्ट्रोस पेट्रोल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है यहाँ पे
अगर हम सीसी की बात करेंगे, बट देन अगेन है ये थ्री सिलेंडर इंजन, और वहीं पे अगर हम i20 और बेलेनो की बात करेंगे तो यहाँ पे इनका 1197 सीसी 1.2 लीटर बेसिकली सब में इंजन आता है, बट यहाँ पे अल्ट्रोज में जो है आपको थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है, और जो बेलेनो इसमें आपको बेलेनो और i20 दोनों में 1197 यानी कि 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि चार सिलेंडर होगा। तो यहाँ पे इंजन पे भी मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मैं गाड़ी चला के नहीं देखूंगा मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि थ्री सिलेंडर इंजन और थ्री सिलेंडर इंजन के साथ हमेशा से ये बात रही है टाटा के की वाइब्रेशन बहुत आती है, बट थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट कंपनी ने करी है। तो पेट्रोल इंजन की मैं हाल फिलहाल यहां पे अभी ऐसे कैसे छोड़ देता हूं बिना किसी वर्डिक्ट के। बट वहीं पे अगर हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो यहां पे जो है टाटा ने सबसे पावरफुल इंजन डीजल वेरिएंट में दिया है। यहां पे आपको 1497 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो कि 1.5 लीटर आपको डीजल इंजन मिलने वाला है। चार सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन है, तीनों में आपको चार सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। सेकंड हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट पावरफुल इंजन जो इस सेगमेंट में है वो है i20 का। यहां पे आपको 1396 सीसी का इंजन मिलता है, बेसिकली 1.4 हो गया इंजन, फोर सिलेंडर इंजन मिलता है। उसके बाद बलेनो का जो इंजन है वो सिर्फ 1248 सीसी का है। तो गाइस मैं बोलना चाहूंगा अगर आप डीजल सोच रहे हैं तो बलेनो के साथ कभी मत जाएं, बिकॉज मैंने बलेनो का डीजल वेरिएंट चला रखा है, वो बिल्कुल भी पंची नहीं है। उसके अलावा आप i20 के साथ जा सकते हैं, अल्ट्रोज के साथ जा सकते हैं, बिकॉज बहुत ही पावरफुल इंजन दिया गया है अल्ट्रोज में जो नई टाटा की तरफ से आई है। उसी के बाद गाइस अगर यहाँ पे प्राइस फैक्टर की बात करूंगा तो भाई पेट्रोल जो है अल्ट्रोज का वो बताया गया कि 5 लाख से स्टार्ट होने वाला है। हालांकि जितनी भी गाड़ियां दूसरी है उनका किसी का 5.52 है, 5.58 है, तो प्राइस भी वर्डिक्ट नहीं बता सकता जब तक ऑफिशियल प्राइस नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे जो i20 है वो 5,52,000 से स्टार्ट हो जाती है पेट्रोल में, बलेनो जाती है 5,58,000 से। तो यहाँ पे वर्डिक्ट इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज जो अभी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो सिर्फ 5 लाख दिया गया है, यानी कि उसके पीछे के पॉइंट में नहीं बताया कितने हजार होंगे। और वहीं पे डीजल इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6 लाख के आसपास है जो है डीजल इंजन स्टार्ट होने वाला है गाड़ी का। एंड और जो आपकी i20 वो 6,90,000 की, बेलेनो 6,68,000 की है। तो गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ था कंपैरिजन, मैंने बहुत ही क्विक कंपैरिजन रखा है तीनों गाड़ियों का। और इसी जो रेस में है यहाँ पे आपको जैज भी देखने को मिलती है और ग्लांजा भी देखने को मिलती है। ग्लांजा मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करी बिकॉज वो बेलेनो ही है, बस थोड़ी दूसरी बैजिंग के साथ। बट वहीं पे जैज को मैंने इंक्लूड नहीं करा बिकॉज मोस्ट पॉपुलर जो गाड़ियां हैं वो i20 बेलेनो और अल्ट्रोज हैं आज की डेट में। हालांकि जैज के जो यूजर्स हैं ओनर्स हैं वो बुरा ना माने, बट यहाँ पे जो मोस्ट तीन पॉपुलर गाड़ियां थी उनका मैंने कंपैरिजन आपको दिखाया। तो गाइस आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है? मुझसे पूछा जाए तो इंजन में, अगर डीजल में पूछा जाए तो मैं अल्ट्रोज के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा, और वहीं पे बलेनो मेरे से पूछा जाए पेट्रोल में तो मैं बलेनो के साथ जाना पसंद करूंगा। हालांकि i20 है वो भी काफी अच्छी गाड़ी है बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा वजन है एंड कई सारे फीचर्स के साथ आती है। एनीवेज गाइस मैंने ये जो कंपैरिजन था आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। सो गाइस जैसे कि आपने देखा यहां पे टाटा अल्ट्रोज थी, वो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बेहद ही अच्छी गाड़ी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरे को गलत लगा वो लगा कि उसमें जो है थ्री सिलेंडर इंजन आता है एंड कंपेटिटर्स में फोर सिलेंडर इंजन दिया जाता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी है थोड़ी सी डाउन हो जाती है। उसके अलावा गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि गाड़ी में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिससे वो बलेनो से बहुत नीचे हो या बलेनो से बहुत ऊपर हो या i20 को भी लिस्ट में लें तो ऐसी कोई भी कमी नहीं है गाड़ी में। तो यहाँ पे गाइस ये बोलना तो बहुत ही गलत होगा कि जो गाड़ी है वो बलेनो की सेल्स को गिरा देगी या हुंडई की सेल्स को गिरा देगी, i20 की सेल्स को गिरा देगी, बट ये बोलना ज़रूर सही रहेगा कि कंपिटिटर बहुत ही तगड़ी है एंड अगर अच्छे प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करी जाती है, अभी कोई प्राइस नहीं लॉन्च करे हैं कंपनी ने, नहीं बताएंगे क्या कुछ प्राइस में आने वाली है, बट अगर अच्छे प्राइस दिए जाते हैं गाइज तो ये गाड़ी श्योर बहुत सारे लोगों की पसंद बनने वाली है। मुझसे पूछा जाए तो फैक्ट्री कस्टमाइजेशन जैसे फीचर और गाड़ी पूरी गूगल से कनेक्टेड है, ये सब फीचर्स एंड जो डिज़ाइन दिया गया गाड़ी में, रेड कलर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, साथ ही साथ गोल्डन कलर तो गाड़ी की पहचान ही है कि अल्ट्रोज जो है गोल्डन कलर में देखने को मिलेगी। एनीवेज गाइस कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा ये रिव्यू जो था, ये एक प्री रिव्यू टाइप था, पूरा रिव्यू बोलना गलत होगा, प्री रिव्यू टाइप था जिसमें मैंने बताया। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे अपनी राय लिख के बताएं कि आपको भाई सब कैसी लगी ये जो गाड़ी है। मुझसे पूछा जाए तो अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए आज की डेट में कि भाई बलेनो लोगे या i20 लोगे अल्ट्रोज लोगे, तो डीजल में मुझसे पूछा जाए मैं i20 और अल्ट्रोज के साथ जाऊंगा, एंड वहीं पे पेट्रोल में पूछा जाए तो बलेनो का इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा पंची है एंड थ्री सिलेंडर होने की वजह से बलेनो से थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसलिए मैं बलेनो के साथ जाऊंगा पेट्रोल इंजन में। हालांकि और सारे फीचर्स हैं जिनको अगर मैं गौर करूं तो बलेनो से ऊपर है टाटा अल्ट्रोज। तो यहाँ पे गाइस काइंड ऑफ मिक्स है गाड़ी, किसी एक्सपेक्ट में बहुत अच्छी है एस्पेक्ट में, एंड एक इंजन जो है थ्री सिलेंडर वो बस मेरे को थोड़ा डाउनसाइड लगता है, बट उसमें भी कंपनी ने थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट करी है जिसकी वजह से जो टाटा का वाइब्रेशन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है तीन सिलेंडर इंजन में, वो अब नहीं आएगी। एनीवेज गाइस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूले। बाय एंड।